कैसे हो दोस्तों आप सब। तो घर का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट के बाद झाड़ू मैंने पोछा लगाया। झाड़ू तो सुबह ही लग जाता है तो पोछा लगाया, जैसे कि आपने देखा। और किचन की साफ़ सफाई भी हुई और बर्तन वगैरह भी मच गए। तो अभी मैं किचन जाऊंगी और लंच देखूंगी क्या बनाना है, और उससे पहले फ्रूट्स काटूंगी। तो मेरे साथ आप लोग आइए किचन में, देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स काटने हैं। फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है फ्रूट्स। तो मैं किचन में एंटर कर चुकी हूँ अपने फेवरेट प्लेस में। तो चलिए फ्रूट्स काटते हैं। यहाँ रख देती हूँ कैमरा। तो यहाँ मैं फ्रूट्स में काटूँगी दो बनाना और एक ये गवावा, देखूँगी कैसा है, और एक मैंगो भी देखना है। ये मैंगो भी मुझे लग रहा है कहीं ख़राब ना हो गया हो, मैंगो देखना है, और एक ये एप्पल। तो ये फ्रूट चाट टाइप का बनाऊंगी सिंपल सा, तो बस इन्हें काटूंगी। तो ये हम तीन लोगों के लिए काफ़ी है। एक्चुअली बनाना मैं इसलिए काटती हूँ क्योंकि बनाना बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये क्या होता है चाट में ना, अगर हम एक साथ डालते हैं तो खा लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। चाट बनाने के लिए बस मुझे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट चाहिए होता है और काली मिर्च पाउडर। मैं कोई चाट मसाला वगैरह नहीं मिलाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट। तो बस ब्लैक सॉल्ट और काली मिर्च ही काफ़ी है। तो ये फ्रूट चाट रेडी हो गया है। तो ये जा रहा है काव्या, काव्या के पापा के लिए, और मैं तो इसी में खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलते हैं, कर क्या रहे हैं देखते हैं। कब से बुला रहे हैं, मम्मा आओ मम्मा। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा फ्रूट चाट खाएंगे फिर बाद में लंच बनाएंगे। मैं अपना लेके आती हूँ। चार खाने के बाद मैं किचन में आई, यहाँ लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कटोरी में सोयाबीन ले रही हूँ और इसको भिगा के रख दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ बनाने वाली हूँ चावल का पुलाव। और वैसे तो इसको पुलाव क्या बोलेंगे, खिचड़ी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पुलाव नहीं बोल सकते। तो यस, यहाँ पे मैंने उसे भिगा के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने जार में प्याज लहसुन अदरक टमाटर सब मिक्स करके ग्राइंड कर दूंगी। बहुत जल्दी बन जाती है इस तरीके से खिचड़ी, तो वही मैं इसको बस ग्राइंड कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने कुकर में ना आप जीरा और प्याज का छौंका लगाया है, तो इसको थोड़ा देर पका लेंगे। तो जब ये रेड रेड हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने ग्राइंड किया है ना मसाला, वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं इसको तब बनाती हूँ जिस दिन हमें हल्का खाना होता है दिन में, जैसे कि अभी हमारा मन दिन हल्का खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने ना बस ये बनाने की सोची। तो मैंने नमक रखा था थोड़ा कि टमाटर गल जाएगा, फिर बाकी सब मसाले जो होते हैं। फिर मैंने इसमें चावल रख दिया है यहाँ पे, और ये फिर लास्ट में बड़ी वगैरह भी रख दी है, और उसके फिर अपने चावल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पानी भी रख दिया है, क्योंकि सब चावल में अलग 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 पानी का प्रोपोर्शन पड़ता है, तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से रख दिया है। तो ये देखिए चावल बिल्कुल तैयार हो गया है। पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी साथ में, और थोड़ा सा अचार लिया है। ये अचार मैंने घर में ही बनाया है, तो बहुत यम्मी बना है इसका टेस्ट। तो अब हम सब एक साथ बैठकर यहाँ पे लंच करेंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा। सो बाय बाय।